बड़ी खबर इस वक्त की मिल रही है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाने साधे हैं। सोनिया गांधी ने साफ कहा कि बीजेपी सरकार और इसके शीर्ष नेताओं को देश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई की कोई चिंता नहीं है। सोनिया ने यह भी कहा कि जातिगत जनगणना करवाने की इस सरकार की नीयत नहीं है। सोनिया गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार को घेरा और पूरी तरह से इसको फेल बताया है। तो कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में जो बयान सामने आया वो हम आपको बता रहे हैं। सरकार महंगाई पर, बेरोजगार पर, किस मुद्दे पर पूरी तरह से बेफिक्र है और साथ ही साथ कहा कि जातिगत जनगणना करवाने की इस सरकार की कोई नीयत नजर नहीं आ रही। सोनिया गांधी ने पेपर लीक के मुद्दे पर भी सरकार का घेराव किया और कहा कि यह पूरी तरह से फेल साबित हुआ है। जी न्यूज़।